नमस्कार। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत दिल्ली से चलकर बांका एवं राज्य के अन्य जिलों के श्रमिकों व्यक्तियों के अलावे बगल के राज्य झारखंड के श्रमिकों व्यक्तियों को लेकर विशेष श्रमिक ट्रेन गाड़ी संख्या 04022 आज सुबह के 11 बजे बांका जंक्शन पहुंची। ट्रेन आने के इंतजार में पूरा बांका जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। विशेष रेलगाड़ी से बांका आने वाले यात्रियों को स्टेशन पर सुरक्षित रूप से उतारने एवं उन्हें उनके संबंधित जिला प्रखंड क्वारंटाइन कैंपों में भेजने हेतु स्टेशन परिसर में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस बल, मेडिकल टीम कर्मियों आदि की प्रतिनियुक्ति की गई थी। ट्रेन से आए बांका जिला के सभी यात्रियों का पंजीकरण किया गया तथा मेडिकल टीम द्वारा सभी यात्रियों को एक एक कर स्क्रीनिंग किया एवं उनके सामानों को सैनिटाइज किया गया। सभी यात्रियों को नाश्ता, पानी, मास्क एवं सैनिटाइजर दिया गया। आज आई यात्रियों में बांका जिला विभिन्न प्रखंडों के 375 श्रमिक सहित बिहार के अन्य जिले मुंगेर, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा आदि के साथ साथ झारखंड राज्य के गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज जिले के यात्रियों के सहित कुल 1655 यात्री विशेष श्रमिक ट्रेन से बांका पहुंचे, जिसमें से बांका के सभी श्रमिकों को उनके प्रखंड के क्वारंटाइन कैंप में भेज दिया गया तथा शेष श्रमिकों को बस के द्वारा उनके जिले एवं राज्य के लिए रवाना किया गया। ट्रेन से आए सभी यात्रियों के द्वारा राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा किए गए व्यवस्था का तहे दिल से सराहना किया गया। स्टेशन परिसर में सभी यात्रियों को मेडिकल टीम, पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन के कर्मियों द्वारा सामाजिक दूरी मुस्तैदी से पालन कराया गया। क्या स्थिति है वहाँ की? क्या वहाँ किस तरह की स्थिति? क्या इतना दिन से वहाँ कैसे रह रहे थे आप? दोबारा अगर स्थिति समान हुई तो वापस जाएंगे मुंबई? दोबारा अगर स्थिति समान हुई तो वापस मुंबई जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? ठीक है, लुधियाना से। क्या स्थिति है वहाँ? किस तरह की स्थिति अनुभव हुआ? क्या नाम हुआ? स्थिति समान हुई दोबारा जाओगे? नहीं सर, काम करने नहीं जाओगे दोबारा? क्या समस्या होगी? जो काम किए जो उसका पैसा मिला? पैसा भी नहीं मिला। कहाँ से? गाजियाबाद से। क्या स्थिति है वहाँ? क्या वहाँ काम वगैरह करते थे क्या? हाँ काम करते थे। क्या काम करते थे? पढ़ाई करते। पढ़ाई करते हैं? क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल वसीम। क्या दिक्कत हो गई इसको बताएं? क्या चीज का पढ़ाई कर रहे थे आप? नहीं, कढ़ाई का काम। अच्छा, कढ़ाई का काम कर रहे थे? कपड़े का? हाँ, कपड़े। लॉकडाउन में बंद हो गया? हाँ सब बंद हो गया। तो फिर कैसे इतना दिन रह रहे थे? मकान मालिक रूम तो किराया नहीं दिया, एक महीना तो निकाल दिया। मकान मालिक निकाल दिया? तो सामान्य स्थिति होगी, दोबारा वापस जाएंगे? दोबारा वापस चाहे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या नाम आपका? मोहम्मद बसीर। मतलब क्या दिक्कत क्या रहा वहाँ? दोबारा वापस जाएंगे? क्या नाम है आपका? हम पंजाब से आ रहे हैं। क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ का स्थिति तो बहुत डेंजर है। क्या समस्या हुई वहाँ? समस्या ये हुई थी गाँव में फैक्ट्री में पैसा नहीं दिया गया था, काफी दिन चावल को बचा के रखा और उन्होंने बोला था जो लॉकडाउन होगा उनका अनुसार्स में आपको पैसे देंगे, लेकिन उन्होंने एक रुपया नहीं दिया। हम लोग खाने से मजबूर हो गए थे, नहीं राशन वाले हम लोग पैसे दिए। हम लोग किसी तरह हम लोग भग करके वहाँ से आए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बुलबुल मंडल है, घर लश्करी है, थाना रजौन है, जिला पंजाब। पंजाब में कहाँ रहते थे? पंजाब में मैं लुधियाना में रहता था। स्थिति समान हुई तो वापस जाएंगे? अब तो यहाँ तो पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन मतलब कोशिश कर रहे हैं कि मतलब नहीं जाने के लिए। ऐसा जब तक मेरा लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। क्या काम करते थे? लेबरी। किस चीज़ में? अच्छा, पूर्ण तक काम बंद हो गया। जहाँ काम करते थे उसने पैसा दिया? कहाँ से आ रही थी मैडम? फिर से कहाँ से आ रही थी? क्या करती थी वहाँ? क्या चीज, क्या स्थिति है वहाँ की सो बताएं? क्या स्थिति है वहाँ की? राशन पानी नहीं मिल रहा था तो कैसे इतना दिन वहाँ रह रहे थे? क्या नाम हुआ आपका? दोबारा स्थिति समान होगी तो वापस जाएंगे? हाँ,
सबलपुर नहीं बोलो बस भी वहाँ आसानी लगा हुआ।